अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ और मैं ताबी लीग्स डॉट कॉम को 5 साल कामयाबी के साथ मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह माजी में इन्होंने हक और सच के लिए जदोजहद की, मुस्तकबिल में भी ये अपना सफर उसी तरह जारी रखेंगे। मुझे जो चीज़ खास तौर पर पसंद है वो इनका अपनी मादरी जबान पंजाबी को दोबारा एक सुपरस्टार्स के हलके में रोशनास करवाना है, ख़ास तौर पर उस दौर में जब बहुत से पंजाब के रहने वाले अपनी जबान को बोलते हुए हेजिटेशन का शिकार थे, तो इसको दोबारा अवाम के सर्कल में रोशनास करवाना यकीनन ताबी लीग्स का एक बड़ा कारनामा है। मेरी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये अपना सफर इसी तरह कामयाबी के साथ जारी रखेंगे। हाँ बिल्कुल, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हुई है, 4 दिन हमारी प्रैक्टिस हुई है और हमने यहाँ का जो कंडीशन थी उसमें हमने प्रैक्टिस की है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन है, बाउंस का फ़र्क है, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई है और लड़के भी काफ़ी कॉन्फिडेंस में। हाँ बिल्कुल, होम कंडीशन में वो काफ़ी टफ़ है और काफ़ी उनको सूट करती है होम कंडीशन, लेकिन हमने भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की है और जो हमारा विनिंग कम्बिनेशन है, जो यहाँ विनिंग हमारा एक मोमेंटम बना हुआ है, उसी को लेके हम आए और कॉन्फिडेंस में, और कोशिश यही करेंगे कि फेयरलेस क्रिकेट खेलें और मोमेंटम यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमें मोमेंटम अच्छा मिलना चाहिए, ऊपर से जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो हमें मोमेंटम देगा तो फिनिश हमारा अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए मॉडर्न क्रिकेट के साथ आपको चलना पड़ता है और ये बिल्कुल इस चीज़ पर हम काम भी कर रहे हैं और इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी और मैनेजमेंट ने भी इस पर काफ़ी काम किया, और मेरे ख्याल से जो ऑन द डे आपको जो मैच खेलते हैं उस पर आपका काफ़ी डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशंस हैं और बॉलिंग क्या हो रही है, उस हिसाब से आपको अपना प्लान करना पड़ता है, और मेरे ख्याल से फिर वो मोमेंटम हमें बहुत ज़रूरी ऊपर से मिलेगा, और मोमेंटम चाहिए होता है कि आप फिनिश अच्छा कर सकें, और मेरे ख्याल से हम इस पर पूरा कॉन्फिडेंस हैं और कोशिश यही है कि इस जो मॉडर्न क्रिकेट है उसको जहन में रखते हम क्रिकेट खेलें, और मेरे ख्याल से क्रिकेट और फेयरलेस क्रिकेट का यही है कि आप फ्रीली खेलें और जितना आप बॉलर पे अटैक कर सकते हैं, और कभी बॉलर आपको अच्छी बॉलिंग भी करता है लेकिन उस पर उसको रिस्पेक्ट भी दें, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर रहें, और आप फिर जब आप मोमेंटम खेलते हैं या ऊपर के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पूरे ओवर खेलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्कोर है वो 350 और 300 तक पार कर जाता है। देखें जितने भी प्लेयर्स आए हैं सब फिट हैं और सब अवेलेबल हैं, और जहां तक रही बात टीम की, देखें मोस्ट प्रोबेबली एक दो प्लेयर्स पे आपने डिसाइड करना होता है, तो वो आप आज जाके हम कंडीशन देखेंगे और फाइनल जो 11 है या जो हमने टीम खिलानी है तो हम आज डिसाइड करेंगे, और मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर हैं जो 15 प्लेयर हैं वो सारे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, और काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभार टीम सेलेक्ट करना, तो कोशिश ये होगी जो बेस्ट टीम होगी, जो कम्बिनेशन में मेन वही है कि कम्बिनेशन हमारा जो होगा उसको लेके हम चलें।